हनुमान, तुम्हें मुझसे युद्ध तो करना ही होगा। तुम्हारे अंत के साथ ही इस युद्ध का अंत होगा। मैंने हनुमान के साथ अन्याय तो नहीं कर दिया? जिस वाली के जीवन की रक्षा के लिए मैंने हनुमान से वचन लिया, वो ही हनुमान के जीवन को क्षति पहुंचाने पर तुला। वरदानी शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु मेरे पास वो वरदान है जिससे मैं तुम्हारी शक्ति का प्रयोग तुम्हारे विरुद्ध करूंगा। महानतम वाली तुम्हारे अंत अथवा तुम्हें परास्त करने के पश्चात ही इस युद्ध भूमि से हटेगा। मेरे प्राण चले जाए, हनुमान पर इनके साथ युद्ध मत करना। ऐसा करने से तुम्हारी आदि शक्ति इनमें पूर्ण रूप से समाहित हो जाएगी। क्या सोच रहे हो हनुमान? अपने पिताश्री का वचन पूर्ण करना है, सुग्रीव भैया को बचाना है, तो उठाओ अपने शस्त्र और वार करो मुझ पर। आधी शक्तियाँ क्या? यदि वाली भैया मेरी समस्त शक्तियाँ प्राप्त कर अत्यंत शक्तिशाली भी बन जाएं, तब भी अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए और सुग्रीव भैया के जीवन की रक्षा के लिए हनुमान को उनसे युद्ध करना ही होगा। अब मिलेगी मुझे हनुमान की आधी शक्ति। ये प्रथम अवसर है जब मैं हनुमान के लिए इतना चिंतित हूँ। तब तक हनुमान अपनी दिव्य एवं वरदानी शक्तियों के कारण अपराजित रहा था। किंतु इस युद्ध के आरंभ होते ही हनुमान की आधी शक्तियां वाली को प्राप्त हो जाएंगी और हनुमान के लिए वाली को प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा। आपकी चिंता उचित है वायुदेव। वाली पहले से ही अत्यंत बलशाली है। इससे पहले हनुमान ने कभी उसे शत्रु भाव से नहीं देखा, इसलिए वाली उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाया। परंतु आज युद्ध में देवराज इंद्र के वरदान की सहायता से एक ओर तो वाली को हनुमान की आदि शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी और दूसरी ओर देवराज के दिव्य आभूषण की शक्ति से वो कभी क्लांत नहीं होगा। नारायण नारायण, कैसी लीला है प्रभु आपकी! आपके परम भक्त के ऊपर ये कैसा संकट आ गया है? हनुमान को अत्यंत सतर्क रहना होगा, अन्यथा उस पर छाया वाली रूपी संकट विकराल रूप ले सकता है। हनुमान की, युवराज हनुमान की।
रात की आधी शक्ति प्राप्त हुई वाली की शक्ति अगाध जिनके केवल राम ही नाथ वही विवश है वाली के हाथ वाली को हनुमान की आदि शक्तियां प्राप्त हो रही न जाने क्या होगा सर हे ईश्वर दोनों परिवारों के पुत्रों की रक्षा कीजिए पुत्र मोह में आकर मैं ये क्या कर बैठी महारानी अंजना अभी भी मेरे पुत्रों के जीवन की रक्षा की कामना कर रही हूँ परंतु मैंने उनके पुत्र की चिंता किए बिना हनुमान से वाली का वध ना करने का वचन लेकर उनके पुत्र को इतने बड़े संकट में डाल दिया तुम हमेशा सुग्रीव की रक्षा तो करोगे किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे महारानी माँ मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा अंजना को बता दो क्या परंतु उसका क्या लाभ मैंने हनुमान को वचन मुक्त कर दिया तो वो अवश्य ही वाली के प्राण हर लेगा कदाचित स्वार्थी हो रही परंतु अपने पुत्र को खोना नहीं चाहती नहीं व्यर्थ ही भयभीत हो रही हूँ वाली कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए रुद्राक्ष हनुमान का अनिष्ट नहीं कर पाएगा वो परंतु हनुमान से वाली की रक्षा इसी में है कि मैं शांत रहूं वानर बालक की आधी शक्तियां बाली में समाहित हो चुकी हैं। बाली उससे अधिक शक्तिशाली हो चुका है रावण की ये चाल सफल हो रही है अब उस वानर बालक को बाली से कोई नहीं बचा सकता कोई भी नहीं एक और प्रबल इच्छा है लंकेश दशानन रावण की तुमसे विकता तुम्हारे इस धूम्रपट में मैं एक और दृश्य देखना चाहता हूँ बाली का आगे बढ़ते हुए और मेरे परम शत्रु उस तुच्छ वानर बालक पर प्राण घातक हमला करके उसे मृत्यु लोक पहुंचाते हुए वो वाला दृश्य देखना चाहता हूं मैं मर का
प्रकट हनुमान, यदि मेरे प्रहारों से बच सकते हो तो बच कर दिखाओ। कितना पशुबत और आसुरी व्यवहार कर रहा है बाली, मैं उसके इस आचरण के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। पुत्र जब अधर्म के मार्ग पर चल पड़े तो सबसे अधिक ग्लानि माता और पिता को ही होती है। हनुमान बाली पर वार नहीं कर रहा है, प्रतीत होता है मुझे दिया हुआ वचन को पूर्ण कर रहा है। स्पष्ट सुन नहीं पाई मैं, महारानी जी किस वचन की बात कर रही थी? धीरज रखिए महाराज ऋक्षराज, वाली में अवश्य परिवर्तन आएगा। आपका पुत्र है, आपके संस्कार है उसमें। वाली पथभ्रष्ट हो गया है, परंतु निश्चिंत रहिए, वो अवश्य कुपथ को छोड़कर सुपथ पर लौट आएगा। अच्छा, यदि तुम महानतम वाली के वार से स्वयं को बचा कर ये सोच रहे हो कि तुम महानतम वाली को क्लांत कर दोगे तो अपनी भ्रांति को अपने मस्तक से निकाल दो। देखो, इसे धारण करने के पश्चात तुम कितना भी श्रम करो कभी क्लांत नहीं हो। देवराज इंद्र के दिए इस दिव्य आभूषण की शक्ति के प्रभाव से महानतम वाली कभी क्लांत नहीं होगा। अब तो हनुमान को कोई और युक्ति सोचनी होगी। अर्जुन, मेरा पुत्र सकुशल है या नहीं? इतना तीव्र वार किया है बाली ने। हनुमान हनुमान की आदि शक्तियां पाकर बाली हनुमान पर निरंतर प्रहार कर रहा है, परंतु हनुमान उससे लड़ने के लिए अपनी शेष शक्तियों का भी प्रयोग नहीं कर रहा है। हाँ देवऋषि, क्योंकि हनुमान अब भी इस युद्ध को टालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान ने बाली की माँ को वचन दिया है कि वो किसी भी अवस्था में बाली का वध नहीं करेगा। अपने अधर्मी पुत्र की रक्षा के लिए बाली की मां ने संकट मोचन को ही संकट में डाल दिया है। नारायण नारायण, वायुदेव मातृत्व के अनेक रूप होते हैं। एक और अंजना जैसी मां जो सब माओं के दुखों को अपना समझती है, और दूसरी ओर वाली की मां है जिनको मातृत्व के भाव ने इतना स्वार्थी बना दिया है कि वो अपने पुत्र की सुरक्षा के अलावा कुछ और देख ही नहीं पा रही है। स्वामी, हनुमान वाली पर वार करने से झिझक रहा है। वाली को अपने परिवार का सदस्य मानता है,
जिसे वो शत्रु के रूप में देख ही नहीं सकता, उस पे वार कैसे करेगा? मुझे विश्वास है हनुमान वाली पर वार नहीं करेगा। उसने वचन दिया था मुझे, मेरा पुत्र सुरक्षित रहेगा। क्या हुआ मरकट हनुमान? अभी तो ठीक से युद्ध का प्रारंभ भी नहीं हुआ और तुमने पराजय स्वीकार कर ली। यदि तुम में मेरा सामना करने का साहस ही नहीं था तो पहले ही अपने पिताश्री को कह देते कि अपना राज मुकुट उतार कर मेरे चरणों में रख दे। भैया मेरी ही भांति विशाल आकार धारण कर सकते हैं? स्वामी, ये युद्ध तो विकराल रूप लेता जा रहा है, किंतु महारानी जी को देखिए, इतनी शांत लग रही है, उन्हें कोई चिंता ही ना हो। इस प्रकार तो धीरे धीरे हनुमान की संपूर्ण शक्तियों का आधा भाग वाली में समाहित हो जाएगा। यही तो ज्यादा है लंकेश दशानन रावण, एक एक करके उस वानर बालक की आधी शक्तियां प्राप्त कर लो वाली, और उस वानर बालक का वध कर दो। वाली भैया को मेरी आधी शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, इसलिए मुझे उनसे युद्ध करना अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है, किंतु सुग्रीव भैया की रक्षा करने के लिए हनुमान को उन्हें पराजित करने की कोई युक्ति सोचनी होगी। तुम अपनी जिस दिव्य शक्ति का प्रयोग कर मुझ पर वार करोगे, मैं उसी शक्ति से तुम्हारे वार का उत्तर दूंगा।